मंचूरियन एक ऐसी डिश है जिसे आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं और नूडल्स फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ वो टिप्स जिसे आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी यम्मी से मंचूरियन बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी और गाजर लिया है जिसे मैंने नमक के साथ एक घंटे पहले मिक्स करके रखा हुआ था। तो नमक क्या करता है ना, सब्ज़ी से मॉइस्चर रिलीज करता है। तो मैंने क्या किया है ना कि इन सब्ज़ियों को अच्छे से हाथ से दबा दबा के उनके पानी को निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी, इसमें मैं मिक्स करूँगी 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो मैंने एक बॉल में लिया था, 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि आपको मिक्स करते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ियों में जो मॉइस्चर रहेगा ना उसी से ये डो हमारा आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए बनाती हूँ बॉल्स, और इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से रखते हैं जितना बड़ा और छोटा रखना है। तो इसे तलने के लिए तेल मैंने गरम करके रखा है। अब एक एक करके मंचूरियन बॉल को डालूंगी मैं इसमें। गैस का फ्लेम धीमे रखना है, ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम पहले हाई रहे जिससे तेल अच्छे से जल जाए, उसके बाद मंचूरियन बॉल्स डाल के फ्लेम को फिर से लो कर देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर मंचूरियन बॉल्स ऊपर से तो अच्छे से पक जाते हैं पर अंदर से अच्छे से पक नहीं पाते। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया, तो ये खाने में ऐसे भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस बॉल को सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल वेज पकौड़े के जैसा लगता है ये। अब यहाँ पे हम सॉस बनाने के लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच कटी हुई बारीक लहसुन, 1 चम्मच कटी हुई अदरक, स्क्वायर में कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को 5 से 10 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है। 3 से 4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस, और सोया सॉस, वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी नमक। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं चाहिए। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। तब इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथ से चला लेना है और आँच को स्लो कर देना है। यहाँ पे मैंने पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ। अभी इसे मिला के अच्छे से गैस को बंद कर दे। तो ये रही हमारी मंचूरियन बॉल जो बनकर तैयार है। ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मंचूरियन को हमेशा गर्मा गर्म सर्व करें, अगर आप ठंडा करके खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इस मंचूरियन को चाहे फ्राइड राइस के साथ खाएं या नूडल्स के साथ खाएं, दोनों परफेक्ट जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।